आइल्स क्रैक नहीं हो रहा, क्या करें सर? कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 गलतियाँ जो आप जाने और अनजाने में कर रहे हैं, और अगर वो 5 गलतियाँ अगर आप ना करेंगे तो आपका जो आइल्स एग्जामिनेशन है वो 100% क्रैक होगा। और कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, और आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा कि जिससे कि आप ये गलती वापस ना करें। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। आइल्स का एग्जाम हर साल 14 लाख बच्चे भरते हैं और जिसमें से 70% बच्चे फेल हो जाते हैं। खास बात तो ये है कि राइटिंग में 70% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चे जो हैं वो आइल्स के अंदर फेल हो रहे हैं? पहला रीज़न, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, चाहे आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप रियल एग्जामिनेशन में बैठे हो, आपके अंदर एंजाइटी होती है। आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन स्पीकिंग, जब आप एग्जामिनर के सामने होते हो, यू एक्चुअली फील एंशियस, तुम्हें स्ट्रेस होता है, राइट? तो क्यों होता है? बिकॉज तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है। इन राइटिंग में भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पैराफ्रेज नहीं कर पाऊँगा, मैं राइटिंग के जो टास्क हैं वो मैं नहीं लिख कर पाऊँगा। तो ये जो रीजन्स है ना, इसी कारण तुम्हारा जो है वो आइल्स क्रैक नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड रीज़न की, लैक ऑफ फोकस ड्यू टू द मोबाइल फोन। अब आप कहोगे कि यार मोबाइल फ़ोन से कैसे हो सकता है? देखो, मोबाइल फ़ोन आज की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। आज आप जो रील्स देखते हो इंस्टाग्राम के अंदर, 20 सेकंड आपका अटेंशन है सिर्फ। तो आप कैसे रीडिंग में अपना जो है वो अटेंशन दे पाओगे, कैसे आप राइटिंग कर पाओगे? बिकॉज इन चारों मॉड्यूल में आपकी जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ना, वो काम आती है। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, आपका अटेंशन इतना अच्छा नहीं है, तो आप कैसे आइल्स क्रैक करें? तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है एब्सेंस ऑफ ट्रूथ विद द फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, कि आप अपने आप से झूठ बोलते हो और आप अपने जो फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी झूठ बोलते हो। आप जब इंस्टीट्यूट जाते हो तो वो आपको लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग करने के लिए देते हैं। उस टाइम पे आप क्या करते हो? डिस्ट्रैक्शन फील करते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, अपने दोस्तों से गप्पे मारने लग जाते हो, जो बॉयज़ हैं वो खासकर, वो गर्ल्स जो हैं वो उनको देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर आप कुछ और ही सोचने लग जाते हो और ही कोई ख्यालों में रहते हो, ठीक है, या फिर आप कोई मूवीज़ वगैरह के बारे में सोचते रहते हो। तो ये सब क्या है? ये सब डिस्ट्रैक्शन है। आप झूठ बोल रहे हो अपने आप से भी, अपनी फैमिली से भी, अपने फ्रेंड से भी कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बट आपका जो दिमाग है वो कहीं और ही होता है। चिटिंग विद नंबर्स, यानी आप क्या करते हो, जब आप प्रैक्टिस करते हो, लाइक आप इंस्टीट्यूट में गए, आपको उन्होंने कहा कि लिसनिंग करो, आपने लिसनिंग की, और जब आंसर्स लिखने की बारी आती है तो आप किसी और का आंसर लिखते हो। आपको खुद पे भरोसा नहीं होता, आपको सेल्फ डाउट होता है, आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है वो लो होती है। आपको तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि आप किसी और का आंसर लिखते हो, आप अपने आप से चीट कर रहे हो। और आप क्या, जो आपका टीचर है ना, वो आपको नंबर देता है जो भी आपने जो परफॉर्म किया उस बेस पे, उसको भी ये नहीं पता कि आप एक्चुअल में किसी और का चीटिंग करके कर रहे हो। और जब आप रियल एग्जाम में बैठते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑलरेडी कम आते हैं। बिकॉज जब मेरे को अच्छे से पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं, जो नंबर्स हैं वो किसी और के लाइक चीट करते हैं, जिनका एग्ज़ाम एक्चुअल में क्रैक नहीं होता। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आइल्स में जो बच्चे हैं वो फेल हो जाते हैं रियल एग्ज़ाम में। पाँचवा जो रीज़न है वो ये है लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि आपको अवेयरनेस ही नहीं है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। चार मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। आपको ये नहीं पता कि आपके जो सबसे ज़्यादा जो हाई बैंड स्कोर वाला जो मॉड्यूल है वो कौन सा है, और आप क्या, आप ये सोच रहे हो कि मैं अच्छे डिजायर बैंड स्कोर ले आऊँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं पता है। तो ये थे वो 5 कारण जिसकी वजह से आपका जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं हो रहा है। तो घबराइए मत, मैं आपको देने वाला हूँ 5 सॉल्यूशन जो आप अगर अप्लाई करते हैं इमिडिएटली तो आप अपने जो स्कोर है उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशंस का। जो पहला रीज़न था वो था कॉन्फिडेंस का। देखिए, कॉन्फिडेंस का सबसे जो सिंपल जो बेसिक है वो यही है, प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विद प्रैक्टिस यू कैन अचीव एवरीथिंग। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, लाइक लिसनिंग की बात करें, अगर आपकी लिसनिंग में स्कोर नहीं हो रहा है, ठीक है, या स्पीकिंग के अंदर आप कॉन्फिडेंस को लैक कर रही हैं, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने आप को काबिल बना पाएंगे वो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। तो जो दूसरा पॉइंट था वो ये था लैक ऑफ फोकस ड्यू टू द मोबाइल फोन, कि आपका जो फोकस है वो मोबाइल फोन के कारण जो है वो बिगड़ चुका है। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है वो मोबाइल फोन है। इसका जो सॉल्यूशन है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है, वो यही है कि आपको अपने वाई को क्लियर करना पड़ेगा कि आप आइल्स कर क्यों रहे हैं। जैसे ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करना चाहते हैं, ज़्यादातर बच्चे जो है वो बाहर जाना चाहते हैं आइल्स को क्रैक करके। तो
आपको अपने उस सपने को याद करना होगा जिससे आपके अंदर वो जो विल आएगी कि मुझे जो है आइल्स का एग्जामिनेशन क्रैक करना है, ये मोबाइल फोन को आप फिर फेंक दोगे, क्योंकि आपको आपके लिए जरूरी क्या है, आपके लिए जरूरी है आइल्स को क्रैक करना जिससे कि आप अपनी जो स्टडी है वो बाहर कर पाए। तो जब इस डिजायर को याद करेंगे ना, जब अपने गोल को याद करेंगे, तो आपके अंदर अपने आप विल पावर आएगी और आप जो है वो डिस्ट्रैक्टेड कम फील करेंगे। जो तीसरा पॉइंट था वो हमने बात की थी कि आप अपने आप से सच नहीं बोल पाते हो, लाइक आपके जो दोस्त हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी आप झूठ बोलते हो और अपने आप से भी झूठ बोलते हो कि आप पढ़ते हो, एक्चुअल में आप पढ़ते नहीं हो। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने एक कोट पढ़ा था, दी ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी, कि अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे ना तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है खुद से भी और दूसरों से भी। अगर आप कह रहे हैं ना कि मैं एक घंटा पढ़ रहा हूँ, तो आपको एक्चुअल में खुद को ये प्रूफ करना है कि आप एक घंटा पढ़ रहे हो, रादर देन कि बोलने से कि यार मैं तो पढ़ता हूँ और फिर भी मेरे आइल्स में स्कोर नहीं आते। तो चौथा कारण था वो ये था कि आप चीट कर रहे थे नंबर से। तो देखिए, आज से आप ये प्रण ले लीजिए कि मुझे आज से चीटिंग नहीं करनी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना आप चीटिंग करोगे उतना आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होगा, और जितना सेल्फ डाउट क्रिएट होगा तो आइल्स का एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से चीट करना छोड़ दो। इट्स लाइक एन चोरी, जब किसी और के नंबर चुरा रहे हो तो वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। जब आप रियल एग्जाम में बैठोगे ना, आपके ऊपर जो है एग्जामिनर बैठा होगा, अगर उसने आपको देख लिया ना तो आप बैन कर दिए जाओ आइल्स एग्जामिनेशन से। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है कि आप चीटिंग ना करें। तो जो पांचवा पॉइंट था वो था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं पता। देखिए, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस पता करना बहुत आसान होता है। आप जो है आपके चार मॉड्यूल, उन चार मॉड्यूल में देखिए कि सबसे ज़्यादा जो आपके बैंड स्कोर है वो किस मॉड्यूल के अंदर आते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ हुई, और जिसमें कम आते हैं वो आपकी वीकनेस हुई। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो किस में वीक हैं, किस में स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, जो इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो मेरा यही था कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँ। मेरा यही पर्पस है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरी जो क्लासेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप मेरी कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी पूरी मदद कर पाऊंगा। मैं ये जान पाऊंगा कि आपको किस चीज़ में जो है वो वीकनेस फील हो रही है, और आपकी पूरी मदद की जाएगी, और आप मुझसे वन टू वन इंटरेक्ट कर पाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी जो कौन सी कमियां हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। आई होप आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये गलतियाँ कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी हर्ष वदनानी फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।